नाजीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हमें भी हेलमेट प्रो करने के लिए ये छोटी फौज जो है यहाँ पर आई और हमें हेलमेट्स की जो प्राइस हैं वो बता रही हैं। उमैर चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, और हमें देखते साथ ही नौजवान भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कुछ शिकायत कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे, बेटा ये कितने का है? 1300 का। 1300, इसकी पहले प्राइस कितनी थी, पहले कीमत कितनी थी? मुझे नहीं पता, पहले नहीं पता। अच्छा, ये कुछ नौजवान है, ये हमसे बात करना चाह रहे हैं, उमैर भी हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जो हेलमेट्स इतना ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि कुछ दिन इन्होंने वार्डन वालों ने थोड़ा सख्ती किया है, तो जो चीज़ 800 की है वो 2500 रुपये में दे रहे हैं, 3000 के दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं, ये चीज़ ख़राब है। जो हुकूमत कह रही तब्दीली के दावे, ये हेलमेट पहन के तब्दीली के दावे होने हैं, हैं आवाम को परेशान कर। ये तो सेफ्टी बना लिया है, गरीब आदमी घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलाता है और ये 1500 रुपए का हेलमेट ले, ये खान साहब को सोचना चाहिए। कभी कम से कम 2 महीने पहले ये पॉलिसी बनाते, कभी गवर्नमेंट हेलमेट जो है वो आवाम को देगी 250-200 रुपए का, गरीब का घर चूल्हा नहीं चल रहा और ये कहते हैं कि 1500-1500 रुपए का हेलमेट लेंगे। आपका कितने का चालान हुआ? 1000 रुपए का चालान किया है, और हेलमेट जब पूछ रहे हैं तो हेलमेट 3000-3000 रुपए के हेलमेट से यहाँ पे। अच्छा, उमैर से हम जानेंगे फैक्ट्स के हवाले से। उमैर, ये जो प्राइस है, एकदम से प्राइस इंक्रीज हुआ है हेलमेट की कीमत में, तो पॉलिसी मेकर्स को क्या मालूम था कि हेलमेट के अगर हम पॉलिसी कोई जारी करते हैं तो इसमें किस तरह से कमी आएगी या फिर इसमें से कीमतों में किस तरह से आसमान से बातें करेगी? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, कथा गुलामी के लिए माजत, ये कहते हैं मैंने मोटरसाइकिल छोड़ दी है, मैं साइकिल चला रहा हूँ। मैं मोटरसाइकिल छोड़ दी इसी दुखे कि भाई 1000 रुपए का चलान, 2000 का चलान, इससे बेहतर है साइकिल सदा बाहर आ जाते बह जा साइकिल से। बस खान साहब आयो, तुम भी साइकिल चलाओ, तुम पता चले कि साइकिल चलाई थी आवाम। ये आप देख रहे हैं आवाम किस तरह से गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बधिया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाईकोर्ट ने जब इस कानून पे अमल दरामद करवाया तो इससे पहले होना ये चाहिए था कि हमें टाइम दिया जाता, कम से कम 3 महीने दिए जाते ताकि शहरी जो है हेलमेट की बर्वक परचेजिंग करते। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जो माफिया जो इस वक्त हेलमेट की फरोख में सरगर्म है, अभी जो इस वक्त लाहौर में जो इस वक्त तकरीबन 65 लाख के करीब बाइकें हैं, लेकिन इस वक्त जो हमने अपनी रिसर्च की इसमें यह हमें पता चला स्टॉक में सिर्फ 1 लाख हेलमेट मौजूद हैं। हेलमेट कहाँ से आ रहे हैं? हमने ये देखा कि हेलमेट कराची से, चाइना से ये मंगवा रहे हैं, कराची में इसके कंटेनर आते हैं और लोकल जो है, जो लोकल जो लोगों की हेलमेट बनाने की तादाद बहुत कम है, ठीक है। तो अब मार्केट में इस वक्त हेलमेट शॉर्ट हैं, इस वक्त मार्केट में जो हेलमेट की प्राइस है, प्राइस के हवाले से शहरियों को बड़ी तशवीश का सामना है। हेलमेट जो है 100% जो है इजाफी कीमतों पर फरोख्त हो रहे हैं। अब हमारे जो एक आर्डिनेंस है, 1965 में आर्डिनेंस बना, प्रोविंशियल मोटर व्हीकल आर्डिनेंस की 689 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल चलाता है तो उसके लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है, लेकिन जो बाइक पे उसके पीछे या आगे बैठता है उसके लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है। लेकिन हमने आर्टिकल जो है वो दोहरा दीजिए, आर्टिकल 1965 की 689 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स बाइक चलाता है तो उसके लिए तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाइक पे आगे या पीछे कोई शख्स बैठता है तो उसके लिए भी हेलमेट पहनना। यानी आईन तो पहले से मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और अब हो रहा है, आवाम क्या कहते हैं ये जानते हैं? पाबंदी लगाएं, अच्छी बात है, सख्ती करें, मगर ये जो बेचने वाले हैं इनको भी बॉन्ड करें, कीमत वो ज्यादा ले रहे हैं। कम देखिए, ये लिया है, ये अभी 1400 रुपए का लिया है, बहस कर करके पता 1800-1600 बहस कर करके कि 200-300 का हेलमेट है जो 1800 का, हाई कोर्ट इस पर भी एक्शन ले। तब्दीली आई है मार्केट में, प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी भेजे आके कंट्रोल करे प्राइस को, 200 वाला हेलमेट 1000 रुपए का बेच रहे हैं, जो है गरीब आदमी ले नहीं सकता, गरीब आदमी नहीं सकता। अब ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, क्या कर रही है, हमें नहीं पता क्या कर रही है। अच्छा मदीहा, इसमें जो ये जुल्म है, या तो इसको खत्म करो। आप ही करती है ना, गवर्नमेंट का बंदा कोई नहीं आता जो सर्वे करे, उनको पता चले कि गरीब लोगों का क्या हालात है, कि इनको कैसे डील करना है। लोग इसकी कीमत कम कराएं, इसकी कीमत कम होनी चाहिए, तो फिर सख्ती जो मर्जी करें, पाबंदी लगाएं, मगर इसकी कीमत कम होनी चाहिए, ये जो ब्लैक मेलिंग हो रही है वो बंद कराएं। आपका जो मीडिया खबर दे रहा है वो कह रहा है 500 वाला हेलमेट 1000 रुपए का बिक रहा है, लेकिन यहाँ पे 200 वाला हेलमेट 1000 रुपए का बिक रहा है। 200 का हेलमेट है, 300 का, 1400 का भाई अभी लेकर आया। 1400 का
अभी चीखें निकल गई हैं, मतलब एक तो जुर्मानों से चीखें निकल गई हैं, दूसरा जो हेलमेट के प्राइसेस है उसने वहाँ की चीखें निकलवा दी हैं। हम ये नहीं कहते कम हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्राइसेस है कम से कम वो तो होनी चाहिए। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? ये 2000 रुपये का हेलमेट है जो जो ये 300 का मिलता होता था, अभी ये बेइंसाफी है। सब लोग ये देखें गरीब, मैं खुद काम करता हूँ रेस्टोरेंट पे डिलीवरी का, और हेलमेट नहीं है पास, तो उन्होंने 1000 रुपये का चलान मेरा कल किया है और आज मैंने ये लिया है, तो ये बेइंसाफी है ना। आप देखें, आप क्या कहेंगे? हमारा तो झाड़ू का काम है, मजदूरी करते हैं, 500-600 रुपए हम मजदूरी भी करते हैं। आए, एक सेकंड, इसे देखो, हम 500-600 रुपए मजदूरी करते हैं, उन्होंने हमें भी चलान कर दिया, 2000 रुपए का चलान हो जाता है। इधर हेलमेट पूछते सस्ता, जितना पहले 200-300 का मिलता था वो 1200 का 1500 का 2000 का मिल रहा है, हम क्या करें? हमारे साथ और इस तरह भाई है, सब लेंगे तो हम मजदूरी। देखने वाले अगर अवाने हुकाम में से, अवाने बाला में से और लेजिस्लेटर में से अगर कोई सुन रहा है, तो ये झाड़ू बेचने वाले, इससे कबल हमने एक माली का इंटरव्यू लिया और उनके चालान हुए, चालान होने के बाद हेलमेट लेने आए हैं, तो यहाँ पर 1800 से 2500 तक का हेलमेट यहाँ पे मिल रहा है, और ये भाई कह रहे हैं कि इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि इतना महंगा हेलमेट आप ले सकें। हम इतना महंगा नहीं ले सकते, अब तो करीब 300-400 रुपए दिहाड़ी में, ज्यादा से ज्यादा 600 मजदूरी लेते हैं, हम कहाँ से 2000 का 2500 का हेलमेट ले ले, ये तो बंद किया कम से कम, हमें तो ना दे, हम तो मजदूरी करते हैं घंटा या आधा घंटा रोड पे। उमर, ये सिचुएशन है, जिसने पॉलिसी बनाई है उसको ये मालूम नहीं था कि किस तरह की क्योस, किस तरह की अफरा तफरी फैल सकती है सोसाइटी में। मदिया, ये पॉलिसी बनाने से पहले ट्रेड कम्युनिटी से इनको रवाबित करने चाहिए थे पॉलिसी बनाने से पहले, ताकि मुल्क में या लाहौर में इस वक्त स्टॉक कितना है। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इस वक्त लाहौर में 65 लाख बाइकें हैं और एक साल में हर साल 20 लाख बाइकों का इजाफा हो रहा है, लेकिन स्टॉक में हमारे साथ 1 लाख, हमारे पास 1 लाख हेलमेट है, वो भी शॉर्ट हो चुके हैं और मार्केट में इस वक्त इंतहाई शॉर्टेज हो सकती है। अब मुझे बताएं, ये जो शहरी हैं ये कहाँ से हेलमेट खरीद? उमर, हम आगे चलते हैं, आगे हमने जाना है और मजीद सूरत हाल, क्योंकि यहाँ पे बाइकर्स बहुत ज्यादा हैं, हमने उनका इंटरव्यू लेना है कि क्या सोच रहे हैं और क्या मुश्किलात हैं, आइए उनसे जानते हैं। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि हेलमेट्स दुकानों पे नहीं बल्कि फलों और जो फ्रूट्स हैं उनके ठेलों के ऊपर और सड़कों के ऊपर बिक रहे हैं। ये भाई हैं यहाँ पर, एक अपना कर्टन लेके आए हैं और हेलमेट जो है वो बेच रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिक भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने फर्स्ट डे हेलमेट लगाया, तो अल्लाह पाक ने काफी मुझे अच्छा रिस्पांस दिया इस चीज का। अच्छा, ये जो आप हेलमेट का कारोबार पहले से करते आए हैं, ये जो पाबंदी लगी है उसके बाद आपको आइडिया आया कि अरे मैं हेलमेट बेचता हूँ, जरा फायदा भी होगा? असल में ये हम फैक्ट्री से परचेज करते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट डे मैंने मेरे रिलेटिव में जो फैक्ट्री का हेलमेट का काम करते हैं, मैंने उनसे 2 कार्टन परचेज किया सुबह, ठीक है। मैंने फिर यहाँ पे आके किस तरह दिए, फैक्ट्री में क्या रेट आया? फैक्ट्री में रेट भी काफी बढ़ चुके हुए हैं, इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं होता, सिर्फ 50 रुपीज या 100 रुपीज मार्जिन होता है, ठीक है। ये इन दोनों में है कि हेलमेट आमतौर पे सस्ता था, लेकिन पाबंदी लगने की वजह से इसका रेट काफी अप हो, फैक्ट्री ने भी महंगा कर, फैक्ट्री में महंगा कर दिया है, परचेजिंग भी महंगी हो रही है। अच्छा, ये नया हेलमेट है? नया हेलमेट है, ये डैमेज है, ये पीस ये हमारा क्लेम हो जाता है, क्लेम हो जाएगा, वापस हो जाएगा, सारा कुछ बिक रहा है, ठीक है ना। ये मोटरसाइकिल वाले, ये मोटरसाइकिल वाले भाई, मिल गया है आपको हेलमेट? अभी लेना है मैंने। प्राइस के ऊपर बार्गेन हो रही है जी? अभी पूछना है प्राइस के बारे में। तो ये महंगे दे रहे हैं, महंगा ले लेंगे? नहीं, सारी बात है, थोड़ा सा लेस वगैरह तो करवाएंगे हम। कितने हेलमेट चाहिए आपको? सिर्फ एक ही चाहिए फिलहाल। अच्छा उमर, आप देख रहे हैं सिचुएशन? जी बिल्कुल, ये देखें इस तरह की, ये लोग जो इस वक्त मार्केट में मौजूद है ये दिहाड़ी के लोग हैं, इन्होंने असल बाजार गर्म किया हुआ है। अभी एक हेलमेट मेरे सामने मौजूद है, इसकी आप क्वालिटी देखें, इंतहाई नाकस क्वालिटी है। अच्छा, इसको पहनकर चोट तो लगेगी? बिल्कुल, ऐसे इसके अंदर ये देखें, बिल्कुल फॉर्म जो है बिल्कुल नाकस किस्म का फॉर्म इन्होंने इसके अंदर, ये अगर मेरा कैमरा मैन देख सके, ये देखें इसमें इंतहाई नाकस और टेप, स्कॉच टेप इसके ऊपर लगाई हुई है, अगर ये मैं उतार सकूँ तो ये स्कॉच टेप हाथ से उतर रही है। अब मुझे ये बताएं, अगर ये हेलमेट कोई शख्स पहनता है, सेफ्टी इसकी कहाँ कहाँ, मतलब इसको अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट, तो एक जो बाइकर है वो किस तरह सेफ रह सकता है? मतलब इतनी नाकस क्वालिटी इस वक्त मार्केट में मौजूद है, और जो ये सारे वो हेलमेट है जो पाकिस्तानी है, जो लोकल अपने शहरी अपने घरों में बना रहे हैं, ये ऐसा हेलमेट है, इसकी क्वालिटी क्या कह रहे हैं आप? ये 1 वीक नहीं चलेगा हेलमेट, ये 1 वीक के लिए ही है, ये जो 1000 रुपया खर्च करके जा रहा है वो 1 वीक का 1000 रुपया देके जा रहा है, ये तो ज्यादती है। ये जरा भाई व्हाइट हेलमेट वाले जरा आगे आएगा, पीके हेलमेट भी मार्केट में है, ये पीके वाला हेलमेट कहाँ से लिया आपने? लोअर होटल चौक से लिया, यहीं से। अच्छा, ये भी चल रहा है? ये भी यूज में है? यूज में। अच्छा, ये कितने का है? ये यूज में 1000 रुपए का पुराना बिक रहा है, ये मार्केट में जितने ना सारे छुरे, ये तब्दीली आई है,
हफ्ते वाले दिन जो हेलमेट 600 का था ना होलसेल में, ये होलसेलर ने ये जो बेच रहे हैं बाहर, इनका कोई कसूर नहीं, होलसेलर का कसूर है। हफ्ते को 650 का हेलमेट था, अब 1250 का बेच रहे हैं, ये तब्दीली है। ठीक है, आगे चलते हैं, मजीदी सूरत हाल से आपका करते हैं। ये आपका हेलमेट, बेस्ट ऑफ लक। चलें नाज़रीन आगे की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन लाहौर होटल के बाहर ताहद निगाह इस साइड पर और ये सामने की साइड पर आपको हेलमेट ही बिकते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बाइकर्स की तादाद है जो यहाँ पर रुक कर रही है बाइक के लिए, हेलमेट लेने के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हाथों में चालान पकड़ कर लेकर आए हैं, उनके चालान हो चुके हैं और दोबारा चालान से बचने के लिए वो हेलमेट खरीद रहे हैं। अब हम दुकान का एक रुख करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा नौजवान मुझे नज़र आ रहे हैं और हेलमेट खरीद रहे हैं, और ये भी मौक़ जानने की कोशिश करेंगे दुकानदारों से कि हेलमेट की कीमतों में होश रुबा इजाफा क्यों हुआ है। तो आइए चलिए ज़रा बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, चांदी हो गई हेलमेट बेचने वालों की, तो बहुत ज़्यादा हेलमेट बिक रहे हैं। हो गई है, जिन्होंने ज्यादा माल चुका उन्हों की। हाँ, आपकी नहीं हुई? हमारी नहीं हुई अभी। तो हेलमेट के जो चार्जेस हैं, पैसे हैं, ज्यादा ले रहे हैं लोग, यहाँ पे गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। क्यों ज्यादा चार्ज कर रहे हैं पैसे? पैसे ज्यादा ये बाहर वाले कर रहे हैं, हमने आप कितने का दे रहे हैं? ये वाला 1300 का। और ये, और पहले कितने का था? ये 800 का। अब 1300 का क्यों? वो पीछे रेट ज्यादा हो गया। आपने कब खरीदा इसे? ये परसों। अच्छा, ये बड़ी एक बात है कि अगर हम दुकानदार से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने परसों खरीदा था और ज्यादा रेट पर ही खरीदा था। नहीं मदीना, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वो माफिया है, जिस तरह हमने देखा लाहौर में या हमारे मुल्क में जब भी कोई इवेंट आता है एक स्पेसिफिक माफिया सरगर्म हो जाता है। जिन्होंने स्टॉक किए होते हैं, स्टॉक की बड़ी तादाद इनकी फैक्ट्री में गोदामों में मौजूद होती है, लेकिन ये इनकी पहले ही ऑलरेडी सेटिंग होती है। मैं ये समझता हूँ कि जब भी ऐसे मौके आते हैं तो ऐसे कोई कवानीन बनते हैं या कोई खुशी का मौका होता है, उससे रिलेटेड तमाम इंडस्ट्री जो है खुद इनकी कीमतों में इजाफा कर देते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कोई रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, कोई SOPs बनाए, ऐसे SOPs मौजूद होने चाहिए, रेट्स उसके मुतय्यन होने चाहिए और इसकी क्वालिटी भी मुतय्यन होनी चाहिए ताकि शहरी इन चीज़ों को खरीद कर उसको कोई फायदा हो। लेकिन कुछ लड़कों ने हेलमेट लिया है, जरा हम उनसे बात करते हैं। आइए नाज़रीन, आप पीछे देख रहे हैं किस तरह से खरीदारी जो है जारी है, अपने अपने सर का जो पैमाइश ले रहे हैं और कौन सा हेलमेट फिट आ रहा है, कौन सा नहीं, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, इसके अलावा जो अगर आपने कोई फैंसी चीज़ लेनी है तो वो ज़्यादा महंगी है, 3500 4000 तक रुपए का जो एक हेलमेट है जो अमूमन बिका करता था एक महीना पहले 1000 रुपए का फैंसी हेलमेट, वो अब 4000 का आपको मिल रहा है। मुझे ये सब कोई मैकेनिज्म नहीं है, मार्केट घूम ली, हमने वार्डन से बात कर ली, CTO साहब से टाइम मांग लिया, लेकिन हमें अभी तक कोई सद्देबाब नहीं निकला इस चीज़ का। देखिए, आपने देखा कि जो हेलमेट है उनका कोई मयार नहीं है। जिन हेलमेट की आप 4000 कीमत बता रही हैं उसमें भी जिस मकसद के लिए हेलमेट ज़रूरी करार दिया गया है कि उसके साथ जानी नुकसान ना हो, तो ये उसके लिए बेकार हैं। 4000 का ले लें, 2000 का ले लें और चाहे 200 रुपए का ले लें, ये वो वाले हेलमेट हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई तफसीली चीज़ हमारे सामने आई नहीं है, ना पुलिस की जानिब से और ना ही किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से कि इस तरह का हेलमेट जो है वो ख़रीदा या फरोख्त किया जाएगा। यहाँ पर ज़रूरत ये है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को इंक्लूडिंग ट्रैफिक पुलिस को भी ये चाहिए कि इसका एक रेट होना चाहिए। आपने देखा कि लोग यहाँ पर बिलबिला रहे हैं, दाल चीनी के भाव की तरह यहाँ पर जो हेलमेट है उनकी कीमतों में घंटों की तरह इजाफा हो रहा है, तो इस तरह से एक इसका रेट होना चाहिए, चाहे वो सरकारी इदारा कोई बेचे या जो प्राइवेट लोग बेच रहे हैं वो बेचें, तो इसका एक रेट फिक्स होना चाहिए ताकि हर शख्स की पहुंच पे आसानी से हो, और यहाँ तक के ये जो हेलमेट है इनका मेयार भी कोई नहीं है। बिना किसी मैकेनिज्म के, बिना किसी प्लान के, पेपर वर्क के आपने एक पॉलिसी ऐसी तरतीब दी जिसका सद्देबाब आप देख रहे हैं किस तरह से केओस की सूरत में और अफरा तफरी की सूरत में यहाँ पर निकल रहा है। जी बिल्कुल मदीहा, ये कानून तो इन्होंने लागू कर दिया लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई SOPs नहीं बनाए। इनकी SOPs बनने चाहिए थे, हेलमेट की क्वालिटी का भी इनको मुतय्यन करना चाहिए था, कीमतों का भी मुतय्यन करना चाहिए था। इसके साथ साथ इनको प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जिस तरह हमारी अशिया खुर्दोनोश को चेक करती हैं, हेलमेट का इन्होंने कानून तो बना दिया, इस हवाले से इनको कोई कमेटी बनानी चाहिए थी जो इन लोगों को चेक करती, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था,
लेकिन हमने लाहौर की तमाम मार्केटों में, मकलो रोड मार्केट, टाउनशिप मार्केट, इसके अलावा दूसरी दीगर मार्केटों में हमने देखा, जिस तरह ईद के दिनों में हमने कुर्बानी के जानवरों के लिए रश हमने मार्केटों में देखा, इस तरह हेलमेट की खरीदारी में इस वक्त मार्केटों में शहरियों का रश नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई कानून नज़र नहीं आ रहा। हर बंदा मुँह मंगे दाम वसूल कर रहा है, हेलमेट की कोई क्वालिटी नहीं है, शहरी बुलबुला रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया उमैर आपका, बहुत शुक्रिया मुजाहिद शेख हमारे चीफ रिपोर्टर हमारे साथ थे। और नाज़रीन यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम का जो इख्तिताम करेंगे हेलमेट के ऊपर जो आज प्रोग्राम किया है, उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाई जाएगी और जो हेलमेट की मकदार है उसको भी देखा जाएगा कि किस तरह से 65 लाख आपके शहर में मोटरसाइकिल्स हैं और आपके पास सिर्फ 1 लाख हेलमेट है और आप चालान पे चालान काट रहे हैं बगैर ये सोचे समझे कि अगर मार्केट से हेलमेट नहीं मिलेंगे तो शहरी इसी तरह से अपने चालान कटवाते रहेंगे। और एक माली और एक झाड़ू बेचने वाला 1000 रुपए का चालान अपने हाथ में पकड़ के एक सस्ता हेलमेट तलाश करने की खोज में है और उसको सस्ता हेलमेट नहीं मिल रहा। ये आज मेरे शहर की सूरत हाल है जिसको तब्दील करने की अच्छा ज़रूरत है। आज की टॉप स्टोरी से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद। We'll be right back.